खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं बड़ी खबर का। मंत्री जवाहर सिंह बेडम पूछरी का लौटा श्रीनाथ जी मंदिर, गोवर्धन में विशेष पूजन अर्चन आज करने वाले हैं। 12 बजे सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचेंगे पूछरी का लौटा। मंत्री जवाहर सिंह बेडम पुछरी का लौटा पहुंचे श्रीनाथ जी मंदिर, गोवर्धन की विशेष पूजन अर्चन उन्होंने करी। आज विशेष दिन है गोवर्धन पूजा का, ऐसे में मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी पहुंचे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे जो कि पुछरी के लौटे पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद श्रीनाथ भगवान के दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। हर वर्ष मुख्यमंत्री आज के दिन अवश्य जाते हैं गोवर्धन पूजन के लिए। और ये तस्वीरें हैं मंत्री जवाहर सिंह बेडम की, आज गोवर्धन की विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम है और ऐसे में जवाहर सिंह बेडम पुछरी का लौटा दर्शन करने पहुंचे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी आज दर्शन के लिए पहुंचे हैं गोवर्धन और उसके बाद मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इन कार्यक्रमों को लेकर? करीब 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच जाएंगे जो आज गोवर्धन पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। हर गोवर्धन के दिन सीएम भजनलाल शर्मा गोवर्धन आते हैं और पौशी का लोठा में श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां वो विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे पहले मंत्री जवाहर सिंह बेडम वहां पहुंचे हैं, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है। अरुण सिंह उनके साथ मौजूद रहे, उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब वो तमाम नेता हेलीपैड पहुंच चुके हैं क्योंकि पहले सीएम भजनलाल शर्मा की अगवानी करेंगे और उनके साथ वापस श्रीनाथ जी मंदिर आएंगे। आज का दिन बहुत अहम दिन है सौरभ, चूंकि आज गोवर्धन जी की जो मान्यता है और खासकर गोवर्धन परिक्रमा को लेकर जो पूरी दुनिया भर में एक छाप है, इस परिक्रमा को लेकर कहा जाता है कि कभी बंद नहीं होती और सैकड़ों हजारों सालों से इसी तरह सतत ये मार्ग पर लगातार साधु संत आमजन परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जो रज रज पवित्र है, इसलिए सौरभ यहाँ को कभी धूल कण नहीं कहते, यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र है कि यहाँ रज बोलते हैं उसको, रज कण कहते हैं। यहाँ कभी आपको कोई धूल कहते हुए मिट्टी कहते हुए नजर नहीं आएंगे, यहाँ रज है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ जो लीलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण के पैर यहाँ पड़े, यहाँ कदम कदम पर उनकी छाप है, ऐसे में ये रज है। यहाँ आना ही व्यक्ति के लिए सौभाग्य का पल होता है, क्षण होता है, यानी कि जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आ ही जाए उसको ही परम सौभाग्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। आज तो चूंकि गोवर्धन खुद गोवर्धन का पर्व है और ऐसे में गोवर्धन की महिमा और अपार हो जाती है, बढ़ जाती है और ये पहली बार नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करें सौरभ, तो पहली बार नहीं है, वो सीएम बनने से पहले भी लगातार पहुंचने का लोटा आते थे श्रीनाथ जी मंदिर में, उनकी विशेष आस्था है गोवर्धन जी में, उनकी विशेष आस्था और लगातार गोवर्धन की परिक्रमा देना, गोवर्धन आना उनका चलता रहा है और सीएम बनने के बाद भी उनका ये क्रम टूटा नहीं है, यानी कि सीएम बने तब के बाद भी लगातार कई बार वो पहुंचने का लोटा आ चुके हैं और आज चुकी गोवर्धन तो वो हर बार एक बार जरूर यह पूजा अर्चना करने आते हैं और इसके बाद बाकी जो पूजा अर्चना हमारी घरों में होती है गोवर्धन चार वो करते हैं। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा पौष्टिक आलोक आ रहे हैं, यहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वापस उनके घर पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री आज पुछरी का लोटा पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, गोवर्धन का पूजन अर्चन का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें हैं मंत्री जवाहर सिंह बेडम की जो कि पुछरी का लोटा पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया।